तो हेलो यारो, कैसे हो। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रॉकस्टार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर जय वाईटी और तनेजा ओपी के बीच में जो सीन चल रहा है। लोगों ने बेवजह एक छोटी सी बात को छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं, इसमें कुछ सीन ही नहीं था, बट ये कुछ होते हैं ना कंट्रोवर्सी कराने वाले पिल्ले, जिन्होंने ज़बरदस्ती ये चीज़ का गलत तरीके से शोकेस करके यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है गाइस। तो ये सब चीज़ की स्टार्टिंग तब हुई थी जब हमारे जय वाईटी है वो हमारे इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और सबके कमेंट्स एक एक करके रीड कर रहे थे। तो जो तनेजा वाला कमेंट आने से पहले एक कमेंट आया था एक बंदे का, जिन्होंने ज़बरदस्ती मिस्टर जय वाईटी को उस रैंडम बंदे ने अब्यूज़ किया था। तो फिर किया गया, मिस्टर जय वाईटी ने उस बंदे को उल्टा गाली दी, क्योंकि ऑब्वियसली बात, भाई गाली दोगे तो गाली खाओगे। फिर उसके बाद जो सेकेंड बंदा था उसने कमेंट ऐसा किया, उसने कुछ ऐसा कमेंट किया था कि तनेजा ओपी डैश, जो भी सीन आपको पता होगा डैश का मतलब। तो फिर मिस्टर जय वाईटी ने बस वो लाइन को रीड किया था, उसके ऊपर ना कोई रिएक्ट किया था ना कुछ किया था, बस उस लाइन को ऐसे ही रीड किया था लाइव पे। वो भी फ्लो में हो गया होगा, उन्हें जाकर उन्हें स्टार्टिंग से पता रहता कि ऐसा कोई कमेंट है, वो रीड नहीं करते, बट जल्दी जल्दी में फ्लो में हो जाता है। बट कुछ बंदे ऐसे हैं ना, ये जो दो कमेंट थे ना, इनको सुनना। जो पहले वाले कमेंट्स थे, कमेंट था उसको मिस्टर जय वाईटी वाले मिस्टर तनेजा वाले कमेंट के बाद पे दिखाया, गलत तरीके से दिखा के तनेजा ओपी को टैग कर दिया कुछ बंदों ने। इस चीज़ को देख के तनेजा ओपी थोड़े से भड़क गए, तो और उन्होंने भी थोड़े दो तीन शब्द ऐसे बोल दिए हमने स्टोरी पर। तो देखो गाइस, कोई कंट्रोवर्सी का सीन नहीं था यहाँ पर, किसी की गलती नहीं थी, किसी को आप हेट मत देना। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, पर मैं देख रहा था बंदे बेवजह जाके मिस्टर जय वाईटी के कमेंट सेक्शन में उन्हें हेट दे रहे थे। तो ये बस मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ हुई है, कुछ बंदे है, कुछ पीपल है जो ज़बरदस्ती इस कम्युनिटी को ख़राब करना चाहते। तो बस गाइस, आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर।